Welcome to yet another video in my class. As you know, I am Ravi Pandey and I am your English teacher. So today we are going to deal the second chapter of your supplementary reader, that is Moments, and the name of the chapter is Adventures of Toto. So as you remember, in the last class we studied about the lost child, we studied about the psychology behind writing the story. So likewise, first we will go ahead with the introduction of the author, the background of this story, and then we will start this particular chapter. So आइए पहले हम इसके राइटर की बात करते हैं. रस्किन बॉन्ड, नाम सुनने में थोड़ा ब्रिटिश जैसा लगता है, बिकॉज ये खुद ही एक ब्रिटिश डिसेंट के राइटर रहे हैं, यानी कि इनके जो पेरेंट्स हैं वो ब्रिटेन से आए थे, जो कि परमानेंटली बाद में यहाँ पे सेटल हो गए. इनकी मदर यहाँ पे सेटल हो गई और इनके फादर बाद में इंग्लैंड मूव हो गए और वो आते जाते रहे. तो आइए पहले इनका परिचय हम लोग जान लेते हैं. 25 मई 1924 में इनका जन्म हुआ इंडिया में, और ये अभी भी जीवित है और हाल फिलहाल ये मसूरी देहरादून में रहते हैं. मसूरी इज अ वेरी फेमस हिल स्टेशन. इन्होंने बहुत सारे नॉवेल्स, एसेज, कहानियां लिखी हैं और ये काफी फेमस रहे हैं. इनकी बहुत सारी जो स्टोरीज हैं वो CBSE के करिकुलम में चलती हैं, जिनका नाम मैं अभी आपके साथ शेयर करूंगा. ही रिसीव्ड साहित्य अकादमी अवार्ड इन 1994, पद्मश्री इन 1999 एंड पद्म भूषण इन 2004. सो बिफोर वी गो अहेड, लेट अस नो मोर अबाउट रस्किन बॉन्ड. सो रस्किन बॉन्ड की एक नॉवेल है जिसका नाम है आवर ट्रीज स्टिल ग्रो इन देहरा. सो देहरादून की बात की है, जो कि CBSE के करिकुलम में पढ़ाया जाता है. इसके अलावा इन्होंने बहुत सारे बुक्स लिखी जो कि पार्ट है CBSE के सिलेबस का. उसमें से मैं कुछ चैप्टर शेयर कर रहा हूँ. द नाइट एट देवली, टाइम स्टॉप्स एट शामली, शामली इज ऑल्सो हिल स्टेशन, आवर ट्रीज स्टिल ग्रो इन देहरा. सो आप अगर गौर करें तो इनकी जो सारी स्टोरीज, प्रोमिनेंट स्टोरीज लिखी हुई हैं, वो उन्होंने हिल स्टेशन के को माध्यम बना के ही लिखा हुआ है. इसके अलावा टीवी और सिनेमा जगत में इनका काफी नाम रहा है. उनकी कहानियां काफी प्रचलित हुई हैं और उनपे काफी फिल्में भी बन चुकी हैं. सो कुछ फेमस सीरीज और कुछ फेमस मूवीज के नाम मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ. 90 के दशक में एक सीरियल चलता था दूरदर्शन पे जिसका नाम था एक था रस्की, और रस्की इसका मेन प्रोटेगनिस्ट या मेन कैरेक्टर था. और ये माना जाता है कि रस्की जो कैरेक्टर है ये रस्किन बॉन्ड ने खुद अपने ऊपर लिखा था. सो दिस कैरेक्टर कैन बी कॉल्ड एज एन ऑटोबायोग्राफिकल कैरेक्टर. 1978 में एक मूवी आई जिस मूवी का नाम था जुनून, और ये बेस्ड थी, इनका एक नॉवल था जिसका नाम था अ फ्लाइट ऑफ पिजन्स. अ फ्लाइट ऑफ पिजन्स बेसिकली 1857 के विद्रोह पे लिखी गई एक कहानी थी, और इसके प्रोड्यूसर शशि कपूर थे, उन्होंने उसमें काम भी किया था. उसके बाद एक मूवी आई सात खून माफ, सो प्रियंका चोपड़ा जैसा कि आप परिचित हैं, सात खून माफ में प्रियंका चोपड़ा और अनु कपूर ने काम किया. द ब्लू अम्ब्रेला ये काफी फेमस मूवी थी, इसको विशाल भारद्वाज ने डायरेक्ट किया था, और सबसे बेहतरीन बात कि इस मूवी के लिए इस मूवी को नेशनल अवार्ड मिला था. तो इससे हम ये समझ सकते हैं कि रस्किन बॉन्ड अपने क्षेत्र के जाने माने राइटर रहे हैं, अपनी विधाओं में काफी तरह से परिपूर्ण रहे हैं. सो इनकी एक फेमस लाइन मुझे याद आती है, ये चूंकि जन्म से जो थे ये ब्रिटिशर्स थे, लेकिन इनका जो जीवन यापन हो रहा है वो अभी भी हिंदुस्तान में हो रहा है. तो इन्होंने कहा था कि रिलीजन डिड नॉट मेक मी वन, यानी कि धर्म मुझे एक व्यक्ति नहीं बनाता है, बट हिस्ट्री डिड, लेकिन मेरा जो इतिहास है वो मुझे एक व्यक्ति बनाता है. एंड इन द लॉन्ग रन इट्स हिस्ट्री दैट काउंट्स, और लंबे समय की अगर बात करें तो आपका इतिहास जो है वो आपका परिचय देता है. ठीक उसी तरह जिस तरह आज रस्किन बॉन्ड का के द्वारा लिखी गई कहानियां, नॉवेल्स, ये जो है ये उनका इतिहास बताते हैं कि कैसे वो एक प्रोमिनेंट राइटर रहे हैं. सो आइए देखते हैं कि ये कहानी पर्टिकुलरली किस चीज के बारे में. एडवेंचर, जैसा कि हम नाम समझ सकते हैं, साहसिक कार्य ऑफ किसके, टोटो. टोटो इस पर्टिकुलर स्टोरी का एक मेन कैरेक्टर है जो कि एक मंकी है, और इसके अलावा दो तीन कैरेक्टर्स और हैं जिनको मैं आपके साथ इंट्रोड्यूस करवा दूं. नैरेटर यानी कि खुद जो ऑथर है वो एक बच्चे के रूप में इसका नैरेटर है. नैरेटर के ग्रैंडफादर यानी कि उसके नाना जी, ग्रैंड मदर उसकी नानी जी, या आंट्स या मौसी कह लीजिए या दादाजी कह लीजिए, तो ये लोग इस स्टोरी के मेन कैरेक्टर्स हैं. सो इसके बारे में कहा क्या जाए, दिस इज अ ह्यूमरस एंड एडवेंचरस स्टोरी ऑफ अ नॉटी मंकी टोटो. एक काफी खुशनुमा, हंसी मजाक से परिपूर्ण और एडवेंचरस यानी साहसिक कार्यों से परिपूर्ण एक कहानी है ऑफ अ नॉटी मंकी, एक बदमाश मंकी की, जिसका नाम है टोटो. द ग्रैंड फादर ब्रिंग्स द मंकी फ्रॉम अ टोंगा ड्राइवर
The pranks played by Toto have been narrated in a very interesting way. So, एक तांगे वाले से जो इनके दादाजी हैं वो लेके आते हैं इस बंदर को और फिर किस तरह से कहानी क्या क्या मोड़ लेती है इसी के बारे में बात की गई है. और अगर हम इस पर्टिकुलर पोएम की चैप्टर की थीम की बात करें तो इसमें यह है कि अगर किसी व्यक्ति का एक निश्चित नेचर है उसको आप बदलने की कोशिश ना करें. खासकर अगर वो जानवर है या फिर वो चिड़िया है तो उनका एक निश्चित नेचर जो स्वच्छंद रहने वाला है, जो बदमाशियां करने वाला है, उसको आप बदलने का प्रयास ना करें क्योंकि ये खुद ईश्वर द्वारा उनको प्रदत्त किया गया है, ईश्वर द्वारा प्रदान किया गया है. सो आइए चलते हैं हम आपके चैप्टर की तरफ. The Adventures of Toto. So let us start. Have you ever had a baby monkey as a pet? क्या कभी आपने एक बंदर को as a pet, as a घरेलू जानवर अपने घर में रखा है? Toto is a baby monkey. Toto एक छोटा सा बंदर है. Let us find out whether he is mischievous or docile. आइए देखते हैं कि वो बदमाश है या काफी शांत है. Paragraph number 1. Grandfather bought Toto from a Tonga driver. From the sum of 5 rupees, दादाजी खरीद के ले आए टोटो को यानी इस छोटे से मंकी को एक टोंगा. टोंगा, देखिए इस चीज को हम समझने की कोशिश करें कि जिन वर्ड्स का उपयोग अंग्रेजी या जिन वर्ड्स जो वर्ड इंग्लिश में है ही नहीं या जिन वर्ड्स का उपयोग अंग्रेजी भाषा में नहीं होता है उसके लिए इंग्लिश में कोई शब्द नहीं है. जैसे कि मैं आपको बताऊं, एक पेड़ होता है महोगनी, एक पेड़ होता है साल, साड़ी, ये सब जो वर्ड्स हैं इंग्लिश लिटरेचर में नहीं है इसलिए इनको एज इट इज इंडियन लैंग्वेज से ले लिया गया. उसी तरह तांगा जैसी कोई चीज नहीं होती है, बग्घी होती है अंग्रेजों के पास जिसको सरे कहा जाता है, तो तांगे जैसी कोई चीज नहीं होती इसलिए तांगे को एज अ टोंगा ही यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया गया. तो एक तांगा चलाने वाले से ये खरीद के दादाजी इस बंदर को लेके आते हैं. द टोंगा ड्राइवर यूज टू कीप द लिटिल रेड मंकी टाइड टू अ फीडिंग ट्रफ. ट्रफ इज अ कंटेनर. तो आप देखे होंगे कि जानवरों को खाना खिलाने के लिए गांव में जो शब्द आप यूज करते हैं वो नाद का इस्तेमाल करते हैं. एक गोल सा कंटेनर होता है या किसी भी कंटेनर में जिसमें आप उसको खाना खिला रहे हैं, दैट इज अ फीडिंग ट्रफ. तो वो जनरली क्या करता था, इस छोटे से लाल मंकी को उस खाने के कंटेनर के साथ बांध के रखे रहता था. एंड द मंकी लुक्ड सो आउट ऑफ प्लेस देयर that the grandfather decided he would add the little fellow to his private zoo. So out of the place मतलब वो जैसे जलबिन मछली का हिसाब था, बिल्कुल अलग थलग महसूस करना होता था, तो वहां पे ये मंकी खुद को बड़ा अलग थलग महसूस करता था इसलिए दादाजी ने डिसाइड किया कि इस छोटे से जानवर को वो अपने पर्सनल जू, अपने प्राइवेट जू में, प्राइवेट चिड़ियाघर में ले आके रखेंगे. सो इससे दादाजी की एक जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो दिखाई देती है और वो ये है कि वो जानवरों के बड़े प्रेमी थे, उनको बचाने का, उनको अपने साथ रखने का उनको बड़ा शौक था. टोटो वॉज अ प्रीटी मंकी, बड़ा प्यारा सा मंकी था, सुंदर सा. हिज ब्राइट आईज स्पार्कल्ड विथ मिस्चीफ, उसकी आंखें हमेशा किसी न किसी मिस्चीफ यानी बैड बिहेवियर या बदमाशी से चमकती रहती थी. सो ही वॉज वेरी शार्प, बहुत तेज था वो. बीनीथ डीप सेट आईब्रोज, उसके जो घनी घनी पल आईब्रोज थी, उसके नीचे जो उसकी आंखें थी वो हमेशा किसी न किसी बदमाशी के साथ चमकती रहती थी. एंड हिज टीथ विच वर अ पर्ली वाइट वर वेरी ऑफन डिस्प्लेड इन अ स्माइल दैट फ्राइटेंड द लाइफ आउट ऑफ एल्डरली एंग्लो इंडियन लेडीज. और उसके जो नुकीले से दांत थे, चमकते हुए दांत थे, जब वो दांत दिखाता था तो मोतियों जैसे चमकते थे, मोतियों जैसे सफेद थे, वो किसी भी एंग्लो इंडियन लेडी को डराने में सक्षम था, यानी डर जाती थी महिलाएं उसके दांतों को देख के. बट हिज हैंड्स लुक ड्राइड अप एज दो दे हैड बीन पिकल्ड इन सन फॉर मेनी इयर्स, लेकिन उसके जो हाथ थे वो बिल्कुल रफ और सूखे हुए लगते थे, जैसा कि लगता था कि काफी समय तक उसको धूप में सुखाया गया है, काफी पकाया गया है उसको. Yet his fingers were quick and wicked. लेकिन फिर भी उसकी जो उंगलियां थी वो काफी तेज थी और बहुत चालू थी, यानी कि he was a very smart monkey. And his tail और उसकी पूंछ, while adding to his good looks, और उसकी पूंछ जो थी वो उसकी सुंदरता को और बढ़ा देती थी. So now guys याद करिए कि हमने जब इससे पहले के वीडियोज में बात की थी तो हमने ये बात की थी कि कैसे हम किसी कैरेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं.
तो उसमें हमने डिस्कशन किया था कि किसी डरावने कैरेक्टर को दिखाना है तो कैसे दिखाना है, किसी इनोसेंट कैरेक्टर को कैसे दिखाना है, उसकी पिक्चराइजेशन कैसे करनी। तो यहाँ देखिए, इस कैरेक्टर को बड़ी खूबसूरती के साथ रस्किन बॉन्ड ने उसकी एक एक चीज को वर्णित करके और संभावनाओं से जोड़ने का प्रयास किया है कि इसका मतलब क्या हो सकता है, हाथ रफ है तो उसका मतलब क्या हो सकता है, या वो कैसा दिखता है। सो उसकी जो पूंछ थी उसकी खूबसूरती को और बढ़ा देती थी, चार चांद लगा देती थी। Grandfather believed a tail would add to anyone's good looks. और narrator यहाँ कहता है कि जैसे कि दादाजी उसके उसके साथ में मजाक करते होंगे, उसने कहा कि दादाजी का यह मानना था कि पूंछ जो है वो किसी भी व्यक्ति की या किसी भी जानवर की सुंदरता बढ़ा सकती थी। तो होता ऐसा होगा कि जो narrator है उसको उसके दादाजी छेड़ते हुए या उसको तंग करते हुए ये कहते होंगे कि तुम्हारी भी एक पूंछ लगा दी जाए तो तुम बहुत सुंदर दिखोगे। तो कुछ ऐसी ही भावना दादाजी की थी जो कि नैरेटर ने सुनी थी। ऑल्सो सर्व्ड एज अ थर्ड हैंड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट की है, उसके तीसरे हाथ की तरह काम करता था, उसकी पूंछ काम करती थी। ही कुड यूज इट टू हैंग फ्रॉम अ ब्रांच, वो इस पूंछ का इस्तेमाल करता था किसी शाखा से लटकने के लिए। एंड इट वॉज केपेबल ऑफ स्कूपिंग अप एनी डेलिकेसी दैट माइट बी आउट ऑफ रीच ऑफ हिज हैंड्स। सो ऐसी कोई भी डेलिकेसी यानी खाने की स्वादिष्ट व्यंजन हो जो उसके हाथों की पहुंच से दूर हो तो वो अपनी पूंछ का इस्तेमाल करता था टू स्कूप इट अप। स्कूपिंग का मतलब होता है टू लिफ्ट समथिंग वेरी क्विकली, बड़ी ही तेजी के साथ किसी चीज को उठा लेना। ग्रैंड मदर ऑलवेज फर्स्ट व्हेन ग्रैंड फादर ब्रॉट होम सम न्यू बर्ड और एनिमल। और जो दादी थी वो हमेशा गुस्सा करती थी, नर्वस हो जाती थी, एंग्री हो जाती थी जब नैरेटर के ग्रैंडफादर कभी भी कोई नई चिड़िया या कोई नया जानवर जो है वो अपने प्राइवेट जू के लिए ले आते थे, तो ये काफी नाराज होती थी। सो इट वॉज डिसाइडेड दैट टोटोज प्रेजेंस शुड बी केप्ट अ सीक्रेट फ्रॉम हर अनटिल शी वॉज इन अ पर्टिकुलरली गुड मूड। सो ये फैसला लिया गया कि जब तक दादी माँ किसी अच्छे मूड में ना हो निश्चित तौर पर, तब तक टोटो की बात उनसे रहस्य बना के रखी जाए या उसको छिपाया जाए। Grandfather and I put him away in a little closet opening into my bedroom wall. So closet का मतलब होता है एक छोटी सी अलमारी जिसमें पल्ले लगे हों। तो ये डिसाइड करने के बाद कि सीक्रेट रखना है, इन्होंने क्या किया कि इन्होंने इस मंकी को उस छोटी सी अलमारी में रख दिया जो कि नैरेटर या ऑथर के बेडरूम वॉल के अंदर बनी हुई थी। वेयर ही वॉज टाइट सिक्योरली यानी वेरी सेफली विद अटमोस्ट केयर, बहुत ज्यादा ध्यान रख के उसको बांध दिया गया। और सो वी थॉट, इन्होंने ऐसा सोचा कि बहुत सिक्योरली बांध दिया है, लेकिन आगे क्या होता है देखते हैं। टू अ पेग फास्टन्ड इनटू द वॉल, एक खूंटी, पेग का मतलब होता है खूंटी, एक वुडन या फिर वो नेल से बनी हुई जिसमें उस रस्सी को बांध दिया गया और इस बंदर को अलमारी के अंदर रख दिया गया। अ फ्यू आवर्स लेटर व्हेन ग्रैंडफादर एंड आई केम बैक टू रिलीज टोटो वी फाउंड दैट द वॉल्स व्हिच हैड बीन कवर्ड विद ऑर्नामेंटल पेपर चोजन बाय द ग्रैंडफादर Now stood out as naked brick and plaster. So, कुछ घंटे बाद जब दादाजी और नैरेटर वापस आते हैं टोटो को खोलने के लिए, रिलीज करने के लिए, तो ये क्या पाते हैं कि जो वॉल कवर थी एक कलरफुल पेपर से, डेकोरेटिव पेपर से जिससे सुंदर बनाया जाए किसी वॉल को, वहां से उसने वो पेपर उखाड़ दिया था और अब पीछे उसकी जो ईंटें थी वो साफ दिखाई दे रही थी और यहां तक कि उसने वहां का प्लास्टर भी उखाड़ दिया था। The peg in the wall had been wrenched, और जो खूंटी दीवार में लगी हुई थी वो ट्विस्टेड हो गई थी, उसको टर्न कर दिया था, पुल आउट कर दिया था फ्रॉम इट्स सॉकेट, जिस जगह उसको लगाया गया था वहां से उसने तोड़ मरोड़ कर उसको निकाल दिया था। एंड माई स्कूल ब्लेजर विच हैड बीन हैंगिंग देयर वॉज इन श्रेड्स, श्रेड का मतलब होता है छोटे छोटे टुकड़े, और मेरा जो स्कूल का ब्लेजर था जो कोट वहां पे टंगा हुआ था वो अब वहां पे छोटे छोटे टुकड़ों में बिखरा पड़ा था। आई वंडर्ड व्हाट ग्रैंडमदर वुड से, और मुझे डर लग रहा था, आश्चर्य भी हो रहा था कि अब दादी माँ क्या कहेंगी ये चीज देख के। बट ग्रैंड फादर डिड नॉट वरी, लेकिन दादाजी के चेहरे पर कोई चिन्ह नहीं था ऐसा कि जैसे वो चिंतित हों, बिल्कुल भी चिंतित नहीं थे। ही सीम्ड प्लीज विद टोटोज परफॉर्मेंस, जबकि इसके उलट वो टोटो की परफॉर्मेंस से, टोटो के कार्य से काफी खुश थे। ही इज क्लेवर सेड ग्रैंड फादर, गिवन टाइम आई एम श्योर ही कुड हैव
tied the torn pieces of your blazer into a rope and made his escape from the window. तो वो बड़ा ही sarcastically कहते हैं कि अगर इसको समय मिला होता तो ये जो तुम्हारे ब्लेजर के टुकड़े इसने छोटे छोटे किए हैं ये उनको बांध के और खिड़की से लटका के एक रस्सी बनाकर और खिड़की से लटका के उतर गया होता. His presence in the house still a secret. घर में उसकी उपस्थिति अभी भी एक राज के तौर पे थी, एक रहस्य थी. Toto was now transferred to a big cage in the servants' quarter, where a number of grandfather's pets lived very sociably together. So, अब क्या किया गया कि Toto को उस अलमारी से निकाल के बड़े केज में, बड़े से पिंजरे में डाल के और servants जो नौकरों के लिए quarter बने हुए थे, उसमें रख दिया गया, जहाँ पे उसके दादाजी का जो था, वो pet house था. और वहां पे बहुत सारे पेट जो थे वो सामाजिक तौर पे एक साथ मिलके एमिकेबल बड़े प्यार से रहते थे. और उसमें क्या क्या था, अ टॉर्टोइस, अ पेयर ऑफ रैबिट्स, अ टेम स्क्विरल एंड फॉर अ वाइल माय पेट गोट. सो वहां पे एक टॉर्टोइस था, एक कछुआ था, एक जोड़ी खरगोश थे, एक पालतू गिलहरी थी और कुछ समय तक जो फेवरेट एनिमल था ऑथर का जो कि एक बकरी थी वो भी वहां पे थी. बट द मंकी वुडंट अलाउ एनी ऑफ हिज कंपेनियंस टू स्लीप एट नाइट. लेकिन ये जो बंदर था इनमें से अपने किसी भी साथी को रात में सोने नहीं देता था, उनको तंग करके रख देता था. करता क्या था, सो ग्रैंडफादर हु हैड टू लीव देहरादून नेक्स्ट डे टू कलेक्ट हिज पेंशन इन सहारनपुर डिसाइडेड टू टेक हिम अलॉन्ग. सो जब उसको पता चला कि ये बंदर का बाकी कंपेनियंस को काफी तंग कर रहा है तो उन्होंने ये डिसाइड किया कि इस बंदर को यहां से हटा दिया जाए. लेकिन मुश्किल क्या हुई कि अगले दिन जो था इनको जाना था देहरादून, दादाजी को देहरादून जाना था अपने पेंशन लेने के लिए. तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो इस मंकी को, वो टोटो को अपने साथ ले जाएंगे. सो हाउ दे कैन कैरी, किस तरह से कैरी कर सकते थे वो देखेंगे हम आगे. अनफॉर्चुनेटली आई कुड नॉट अकंपनी ग्रैंडफादर ऑन दैट ट्रिप बट ही टोल्ड मी अबाउट इट आफ्टरवर्ड्स. सो दुर्भाग्यवश जो ऑथर था वो इनके साथ नहीं जा सकता था इस ट्रिप पे. लेकिन ट्रिप से लौटने के बाद दादाजी ने बताया कि एक्चुअली क्या घटनाएं हैं, क्या किया टोटो ने रास्ते में, वो हम लोग देखेंगे. सो A big black canvas kit bag was provided for Toto. So, एक कपड़े का बड़ा सा बैग टोटो के लिए लाया गया, उसको दिया गया. This with some straw at the bottom became his new abode. Abode means home, living place, dwelling. So, ये अब उसमें क्या किया गया, बॉटम में उसके थोड़ा सा स्ट्रॉ बिछा दिया गया और वो अब उसका एक तरह से नया घर बन गया. When the bag was closed, जब बैग बंद हो गया था, there was no escape, निकलने के कोई चांसेस नहीं थे. Toto could not get his hands through the opening, यहां तक कि जो बगल में थोड़ी सी जगह थी Toto अपना हाथ भी उससे नहीं निकाल पा रहा था. And the canvas was too strong for him to bite his way through. और कैनवस जो कपड़ा था वो इतना स्ट्रांग था कि वो उसमें बाइट करके काट के उससे बाहर नहीं निकल सकता था. His efforts to get out only had the effect of making the bag roll about on the floor or occasionally jump in the air. और अगर निकलने का प्रयास वो करता भी था तो उसके दो ही रिजल्ट सामने आते थे, एक या तो वो बैग जो था वो जमीन पर रोल करता हुआ लुढ़कता हुआ महसूस होता था या वो जंप करता हुआ महसूस होता था. तो आप सोच सकते हैं कितना फनी है कि अचानक रखा हुआ एक बैग जंप करने लगे, झोला जंप करने लगे या रोल करने लगे. सो पीपल विल गेट शॉक्ड एंड स्टार्टल्ड. An exhibition that attracted a curious crowd of onlookers on Dehradun railway platform. So the same thing happened on Dehradun railway platform. कि ये जब झोला रखा हुआ था तो अचानक से या तो ये रोल करने लगा होगा टोटो या फिर वो जंप करने लगा होगा. तो जितने भी अड़ोस पड़ोस के ऑनलुकर्स थे, दर्शन जो वहां पे दर्शनार्थी थे, सबका ध्यान उसकी तरफ, उस झोले की तरफ चला गया. Toto remained in bag as far as Saharanpur, but while grandfather was producing his ticket at railway turnstile, Toto suddenly poked his head out of bag and gave the ticket collector a wide grin. So Saharanpur तक Toto जो था वो bag में था, लेकिन जब दादाजी निकलते हैं आगे बढ़ते हैं टिकट कलेक्टर को अपना टिकट दिखा रहे होते हैं turnstile पे. turnstile एक mechanical gate होता है जिसमें कि तीनों तरफ से लोहा लगा होता है तो आप घुसिए तो ऐसे वो घूम जाता है.
तो वहां पे खड़े होकर टिकट कलेक्टर को जब वो टिकट दिखा रहे होते हैं तो ठीक उसी समय क्या होता है कि टोटो अपनी गर्दन बैग से बाहर निकालता है तो और ऐसे मुस्कुरा के अपने दांत दिखाता है, ग्रिन मतलब दांत दिखाना हंसते हुए। द पुअर मैन वॉज टेकन अबैक, वो बेचारा आदमी बिल्कुल शॉक्ड रह गया, आश्चर्यचकित रह गया। बट विद ग्रेट प्रेजेंस ऑफ माइंड एंड मच टू माई ग्रैंड फादर्स एनॉयंस ही सेड सर यू हैव अ डॉग विद यू। लेकिन बड़े ही स्मार्टली, बड़े ही अपना दिमागी संतुलन में रखते हुए, बुद्धिमत्ता दिखाते हुए उसने ग्रैंडफादर से क्या कहा, लेकिन ग्रैंडफादर उस बात से अनॉयड हो गए थे, चिढ़ गए थे। उसने कहा क्या कि सर क्या आपके साथ एक कुत्ता है, यू विल हैव टू पे फॉर इट अकॉर्डिंगली, और आपको इस कुत्ते के लिए इसके अकॉर्डिंग पे करना पड़ेगा। सो जनरली होता क्या है कि इन रेलवे वी हैव डॉग बॉक्स इन द केबिन ऑफ गार्ड, जो पीछे गार्ड होता है उसके उसमें डॉग बॉक्स होता है जहां पे आप कुत्ते को रख सकते हैं, उसको साथ लेके ट्रैवल करना अलाउड नहीं है। तो उसी क्रम में उसने टिकट कलेक्टर ने पूछा कि क्या आपके साथ कुत्ता है, अगर है तो उसके लिए आपको पे करना पड़ेगा। इन वेन डिड ग्रैंडफादर टेक टोटो आउट ऑफ द बैग, और हड़बड़ी में उन्होंने क्या किया कि टोटो को बाहर निकाला अपने बैग से, और ही ट्राइड टू प्रूव दैट अ मंकी डिड नॉट क्वालिफाई एज अ डॉग और इवन एज अ क्वाड्रूपेड। सो उन्होंने बैग से मंकी को निकाला और ये दिखाया कि ये मंकी है, क्योंकि अब वो गुस्सा, वो चिढ़ गए थे, वो दिखा रहे थे कि ये मंकी है और ये एक कुत्ता नहीं है, ना ही कोई और चौपाया जानवर है। सो मंकी बिल्कुल अलग होता है, तो वो ये चीजें कोशिश कर रहे थे उसको एक्सप्लेन करने की। टूटो वॉज क्लासिफाइड अ डॉग बाय द टिकट कलेक्टर एंड 3 रुपीज वॉज द सम हैंडेड ओवर एज हिज फेयर, लेकिन टिकट कलेक्टर ने उसको डॉग की कैटेगरी में रख दिया, क्वालिफाई कर दिया और 3 रुपए का उसके लिए चलान बना दिया, उसका टिकट रसीद काट दी। देन ग्रैंडफादर जस्ट टू गेट हिज ओन बैग, जस्ट टू गेट हिज ओन बैग एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है टेक रिवेंज, बदला लेना। बदला लेने के लिए उन्होंने क्या किया, टुक फ्रॉम हिज पॉकेट आउट पेट टॉर्टॉइस, अपनी जेब से जो पालतू उनका कछुआ था उसको निकाला एंड सेड व्हाट मस्ट आई पे फॉर दिस सिंस यू चार्ज फॉर ऑल एनिमल्स, तो मुझे इस कछुए के लिए क्या देना पड़ेगा क्योंकि आप सारे एनिमल्स के लिए चार्ज करते हो, तो व्हाट शुड आई पे फॉर इट, इसके लिए मैं क्या दूं। द टिकट कलेक्टर लुक्ड क्लोजली एट टॉर्टॉइस, बड़े गौर से टिकट कलेक्टर ने उस कछुए को देखा, प्रोडेड इट, प्रोडेड मतलब उंगली से ऐसे ऐसे करके देखा, विद हिज फोर फिंगर गेव ग्रैंडफादर अ प्लीज्ड एंड ट्रायम्फेंट लुक, दादाजी की तरफ बड़े ही आनंदित तरीके से और बड़े ही उसके चेहरे पे एक ऐसी मुस्कान थी जैसे वो विजयी हो, विजयी मुस्कान के साथ, एंड सेड नो चार्ज इट इज नॉट डॉग, इसके लिए कोई चार्ज नहीं है क्योंकि ये कोई कुत्ता नहीं है। सो आई विल आस्क यू अ फ्यू क्वेश्चंस रिगार्डिंग दीज पर्टिकुलर टू पेजेस दैट वी हैव स्टडीड टूडे, एंड इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल कंप्लीट द रेस्ट ऑफ द चैप्टर। सो दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड, enjoy reading the story, I will share the question and answers with you. Thank you very much.